आप मंचस्थ सभी विभूतियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी बात आप लोगों को इंगित करके हिंदी में कहूँगा, संस्कृत बनी हुई। आदि कवि सृजित वाल्मीकि रामायण का यह आयोजन हो रहा है, इसका पठन पाठन का कार्यक्रम चलेगा। इसी संदर्भ में मैं दो शब्द आपको सारभूत कहने का प्रयास करूंगा। बंधुओं, सबसे पहली चीज जो है जिसको हम देख रहे हैं वह है सृष्टि रचना। मैं आपको ये स्मरण करना चाहता हूं कि सृष्टि को रचने वाला ही कवि था। आप कहेंगे कवि ने सृष्टि कैसे रचना की, तो वेद ये कहते हैं कि उसका जो सृष्टि रचयिता का स्वरूप था वो कवि रूप था। कवि जब अपनी बात कहेगा तो सृजन में क्या कहेगा, पहले उसके मुख से ध्वनि स्फुटित होगी। तो वेद, शतपथ, ब्राह्मण सब ने एक स्वर में प्रमाणित किया है कि वो जो असत रूप परमात्मा था उससे जब अपना सद असत की परिभाषा कर दूं, नाम रूप गुण विहीन जो वस्तु होती है जिसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई गुण नहीं है, वो सब असत। जब वही परिवर्तित होकर के नाम रूप गुण युक्त होता तो सत हो जाता है। जैसे हमारा सबका रूप, हम माता के गर्भ में जब पहले थे तो वो एक तरह से हमारा असत रूप था, थे तो सही, प्रकट नहीं हुए थे, जब पृथ्वी पर आए तो प्रकट हो गए, तो हमारा असत रूप। तो जो ब्रह्म है वो भी असत से सत हुआ, तो उसका जो पहला प्रस्फुटन हुआ वो वाणी, जिसको हमारे आज का साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग कहते हैं विस्फोट हुआ, बड़े बड़े प्रयोगशालाएं प्रयोग कर रहे हैं, धर्मिता कर रहे हैं ब्रह्मांड, तो वो वही जो ध्वनि है ब्रह्मांड की, जिसको मैं वहाँ भी शांतर नहीं करूँगा, जो ऋषि रूप में प्रकट हुई और उन ऋषियों की द्वारा ही सारा संसार जो वाणी का संचार हुआ। तो मूल रूप से जब हम आप वाल्मीकि रामायण पढ़ने जा रहे हैं तो आपको आनंद भी होना चाहिए, स्मरण भी होना चाहिए कि हम सृष्टि रचयिता द्वारा जो कवि है उस कवि, इसको बात के लिए मैंने कहा दो शब्दों अपनी बात करूँगा। दो ही उदाहरण मैं आपको सामने प्रस्तुत करूँगा, एक मम्मट का उदाहरण दूंगा जिन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की, उसका मंगलाचरण जब आप पढ़ेंगे तो मंगलाचरण में नियत कृत निता हूँ लादेक मई अनन्य पढ़ता हूँ नवरस रुचि राम निर्मित मादिति भारती कवेर जयति। वो जो कवि है उसकी सृष्टि, उसकी रचना कितनी महान है कि जो मूल प्रकृति रचने वाला है उसने भी षडरस बनाए, लेकिन जो कवि है वो नवरस का संचार करता है। तो इस कारिका का कहने का तात्पर्य है कि कवि की जो महत्ता है वो इतनी बड़ी है कि वो उस सृष्टि रचयिता के समानांतर है। इसलिए आदि कवि की रचना वाल्मीकि रामायण को हमको पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसको अपने में उसका बोध करके। और चूंकि दूसरी बात यह है कि आदि कवि न होते तो मानना यह है कि राम भी नहीं होते। राम का अस्तित्व जो है और आदि कवि वाल्मीकि से, उससे फिर तुलसीदास जी का जो परंपरा चली है। तो मैं एक दूसरा उदाहरण आपको दूंगा बिल्लण का। बिल्लण ने भी इसी बात को कहा कि जो राम हुए वो राम कैसे हुए, कवि वाल्मीकि न होते तो उनका भी अस्तित्व नहीं होता, हमको सारे संसार को उनके गुणों का उनका आभास कैसे होता। ये उन्होंने अपने एक श्लोक में कही, लंका पते संकुचितम यशो यत यत कीर्ति पार्थे रघुराज पुत्र स सर्वे आदि कवि प्रभावो न कोपनीय कवि क्षितेंद्री। एक राजा का है, आपको प्रसंग सुनाऊंगा नहीं, पर एक राजा को उन्होंने संबोधन करके कहा कि कवि नहीं हो तो राम भी नहीं होते। आदि कवि का प्रभाव है, आदि कवि ने हम सबको संसार को बताया कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान रूप थे, तो सब पूजा करते, वरना तो एक साधारण राजकुल में पैदा हुए राजकुमार थे वो,
तो उसको परमात्मा का, उसको भगवान का रूप देने वाला कौन? आदि कवि है। इसलिए इस आयोजन के अवसर पर मैं अपनी बात ये कहता हूँ कि इसको तन्मयता, इतने विद्वान गुरु जब शिक्षक मिल गए तो उसको हमको 30 दिन में पूरा अध्ययन करना चाहिए। और ये केवल बात कोई ये संस्कृत में कही गई ये बात नहीं है, चाहे संसार की कोई भाषा है उसमें से काव्य जब तक उसमें भाव नहीं होंगे वो नहीं होगी। इसलिए मैं तो क्षमा चाहता हूँ आपसे, एक श्लोक छू ये है ना, गुरु ब्रह्मा की जगह कवि कवि मैं विनोद में कहता हूँ कि काश उसने लिखा था कवीर ब्रह्मा कवीर विष्णु कवि देव महेश्वर है, कवि साक्षात ब्रह्म तस्मे श्री कवि नफ है, ये कह करके मैं अपनी बात कहता हूँ आप लोगों से।